कहानी सुनाती हूँ। कौन सी? मनमौजी टिड्डा। टिड्डा? वो भी मनमौजी? हाँ, मनमौजी टिड्डा। एक था बगीचा। उस बगीचे में रहता था एक टिड्डा। मौजी टिड्डा सारा दिन खेलता, नाचता और गाना गाता। खेलो नाचो खुशी मना, खेलो नाचो खुशी मना। गर्मी के दिन थे, टिड्डा आराम से मौज से गाना गा रहा था। तभी उसने देखी एक चिड़िया अपने काम में लगी दाना चुगती। टिड्डा बोला, चीची बहन क्या हर समय काम में लगी रहती हो? मेरे साथ खेलो ना। ना भाई ना, अभी तो मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत खाना इकट्ठा करना है। मनमौजी टिड्डे को परवाह नहीं, उसने तो उठाई एक डपली और उसे ही बजाने लगा। मेरे साथ नाचोगे गाओगे नहीं? बस बस, ज्यादा नहीं। देखो, मुझे अभी बहुत सा शहद इकट्ठा करके रखना है, गाना नाचना बाद में। हाँ, ना खेलो तो ना सही, मैं अकेला ही भला। नन्नी गिलहरी ने टिड्डे को झूलते देखा तो वो भी झूलने लगी। पहले जरा खाना इकट्ठा कर लूं, फिर सर्दी में कौन घूमेगा खाना इकट्ठा करने के लिए? कैसे लोग हैं सब, कोई खेलना ही नहीं चाहता। चलूं इन चींटियों से पूछूं, ये जरूर खेलेंगे मेरे साथ। और चींटियां भी चली गईं। टिड्डा अकेला ही नाचता गाता रहा। सूरज उसे देखता मुस्कुराता रहा। इसी तरह मौसम बीत गया। सर्दी के मारे सब घर में ही रहते, खाना ढूंढने के लिए अब बाहर जाना मुश्किल हो गया।
पर टिड्डे को तो बाहर निकलना ही पड़ा। उसने पहले से खाना इकट्ठा करके जो नहीं रखा था। टिड्डे ने सोचा, दूर कहाँ जाऊं, चलो थोड़ा सा खाना चींची चिड़िया से ले लूं। चींची बहन, ओ चींची बहन, मेरी तो आवाज ही इतनी ऊंची नहीं पहुंचती, चलो भालू भाई के पास चलूं। भालू भाई कितने आराम से सोए हैं, इन्हें कैसे जगाऊं? टिड्डे भाई, भूख लगी है क्या? लो ये खाओ, मेरे पास बहुत सारे बीज हैं। क्या, ये बीज? ना ना, मैं बीज नहीं खाता। उधर देखता हूँ, शायद चींटियों के पास कुछ खाने को मिल जाए। चींटी बहन, मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, ये लो। इतने से मेरा क्या होगा? देखो भाई, और तो हम दे नहीं सकती, ये खाना तो मेरी बहनों ने अपने लिए मेहनत से इकट्ठा करके रखा है। मनमौजी टिड्डा अब सोच में है, समय से अपने लिए खाना इकट्ठा नहीं किया ना? सब बात उसकी समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है, जरा तुम भी सोचो। आज का कार्यक्रम समाप्त, कल तक के लिए विदा।